पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी के द्वारा सुनना चाहती हूँ, इटालियन का विरोध करेंगी या इटालियन के बयान पर वो भी उससे सहमत हैं? हिंदू कोई मच्छर मक्खी नहीं है, हिंदू कोई कोरोना वायरस नहीं है, हिंदू वो संस्कृति है जिससे सारे धर्म पैदा हुए हैं। आज कोई भी विपक्ष का नेता नहीं बोल रहा, इसका मतलब बम्बई की बैठक के बाद इस तरह से लोगों को छोड़ा गया है कि बोलो हिंदुओं के खिलाफ। केंद्रीय खाद्य और सरबराह राष्ट्रमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के स्वागत जाना हलो ব্যারাকপুর ওয়্যারলেস মোড়ে। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, ন্যাশনাল কাউন্সিল সদস্য অহেন্দ্রনাথ বসু সহ বিজেপির জেলা কমিটি এবং নোয়াপাড়া চার মণ্ডলের পদ অধিকারী এবং সদস্যরা। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় খাদ্য এবং সরবরাহ রাষ্ট্রমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে হওয়া ইন্ডিয়া জোটকে কটাক্ষ করে ঠিক কি বললেন শোনাবো আপনাদের। बंगाल में हमारा कार्यकर्ता मजबूती से खड़ा है। एक सवाल जो नया नया गठबंधन इंडिया करके बना है, उनके गठबंधन के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि ने जो बात कही है, हिंदू को मच्छर, डेंगू, मलेरिया, कोरोना से तुलना करना, मैं पश्चिम बंगाल की नेत्री से पूछना चाहती हूँ, क्या आप कोई जवाब है आपके पास? आपके गठबंधन के नेता बोल रहे हैं हिंदू कोई मच्छर मक्खी नहीं है, हिंदू कोई कोरोना वायरस नहीं है, हिंदू वो संस्कृति है जिससे सारे धर्म पैदा हुए हैं। आज कोई भी विपक्ष का नेता नहीं बोल रहा, इसका मतलब बम्बई की बैठक के बाद इस तरह से लोगों को छोड़ा गया है कि बोलो हिंदुओं के खिलाफ। बहुत सोची समझी रणनीति के तहत हिंदुओं के पर कुठाराघात करने का प्रयास किया जा रहा है, इसका मैं पुरजोर विरोध करती हूँ। और उन नकली हिंदू बनने वालों से भी कहना चाहती हूँ, यदि तुम मंदिर में पहुँच करके जनेऊ पहन के पूजा करते हो, मंदिर में जाके तिलक लगाते हो, तो इसका खंडन करिए, नहीं तो तुम्हारी सहमति है। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রীর ছেলে তথা রাজ্যের ক্রীড়া মন্ত্রী উদয়নিধি স্ট্যালিন সনাতন ধর্মের সাথে ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া এবং করোনার তুলনা করা নিয়ে তীব্র নিন্দা করেছেন কেন্দ্রীয় গ্রাম উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি। তিনি বলেন, যিনি সংবিধানের শপথ নিয়ে মন্ত্রী হয়েছেন তার মুখে এই রকম ধরনের মন্তব্য, এছাড়াও তিনি আর কি বললেন তুলে ধরবো আপনাদের সামনে। एक संवैधानिक पद में बैठा हुआ व्यक्ति, वो व्यक्ति नहीं होता, व्यक्तिगत नहीं होता है। उसने जो बयान दिए हैं, सरकार के मंत्री है, इंडिया गठबंधन का सहयोगी है, अकेला बयान नहीं है। यदि उनका अकेला बयान है तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी, जो भी इंडिया के लोग हैं, आकर के उसका खंडन करेंगे, उनका व्यक्तिगत बयान है। तो माँ होती है, माँ बच्चों पर कृपा करती है। अब उन लोगों को माँ सद्बुद्धि दे जो हिंदू धर्म को डेंगू, कोरोना, मलेरिया जैसे शब्दों का दुरुपयोग कर रहे हैं। माँ ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे, हिंदू धर्म को ख़त्म करने के लिए जिस तरह के बयान इंडिया के, जो इंडिया बना है नया नया गठबंधन, उसके सहयोगी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे और जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, उनके बेटे के द्वारा, स्वयं मंत्री हैं, उनके द्वारा बोला जाना कि हिंदू संस्कृति डेंगू है, मलेरिया है, कोरोना है, आप मंदिर के प्रांगण पर हैं, आप पश्चिम बंगाल में हैं, ममता दीदी कहीं ना कहीं मंदिरों में जाती होंगी, मैं इस सवाल का जवाब चाहती हूँ। नकली जनेऊधारी हिंदू बनने वाले लोगों से मैं जवाब चाहती हूँ, हिंदू धर्म को अपमानित करने वाले लोगों से। हिंदू धर्म कोई राख की पुड़िया नहीं है कि उड़ जाए,
हिंदू धर्म वो संस्कृति है, भारत के लोगों के रग रग में हिंदू धर्म बसा हुआ है। हिंदू धर्म कभी भी तोड़ने की बात नहीं करता। वसुधैव कुटुंबकम की धारणा रखने वाला सनातन संस्कृति, उस संस्कृति के ऊपर कुठाराघात करने वाले लोगों को यह सीखना चाहिए कि इस देश में संस्कृति को मिटाने के लिए हूण आए, खस आए, ईसाइयत आई, 1200 साल गुलाम रहे तो भी हमारी संस्कृति को कोई मिटा नहीं सका है। बैरकपुर থেকে সৈকত গঙ্গোপাধ্যায় এবং হালিশহর থেকে হিমাদ্রি শেখর ভট্টের রিপোর্ট, চ্যানেল 24/7।